पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महाराजा अग्रसेन संगठन की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है। इस दौरान संगठन के समाज सेवा का संकल्प लिया मुख्य अतिथि अध्यक्ष अशोक सिंगल, मंत्री दीपक कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, महिला संयोजिका डॉक्टर लता चंद्रा, सह संयोजिका डॉक्टर बिमिता अग्रवाल समेत नई कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि नगर विधायक रितेश गुप्ता ने संगठन के कार्यों को सराहा। इसके साथ ही उन्होंने समाज के लिए भवन निर्माण के लिए अपनी ओर से 2 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। उन्होंने अग्रवाल समाज से व्यापार के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी बच्चों को आगे लाने पर जोर दिया। दिल्ली रोड स्थित पार्श्वनाथ प्लाजा के सामने टिमिट में हुए शपथ ग्रहण में शिक्षक विधायक डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि संगठन अपनी पूरी क्षमता से कार्य करे। अग्रवाल संगठन पूरी निष्ठा से कार्य करता है, पूरी लगन और उत्साह से कार्य करे। अग्रवाल समाज बड़ा समाज है। अधिष्ठापन अधिकारी संरक्षक महापौर विनोद अग्रवाल ने नव निर्वाचित कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक सिंगल, मंत्री दीपक कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, महिला संयोजिका डॉक्टर लता चंद्रा, सह संयोजिका डॉक्टर बिमिता अग्रवाल के साथ पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों के पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उन्होंने राजनीति की जागरूकता के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही लाकड़ी फजलपुर चौराहे का नाम महाराजा अग्रसेन की मूर्ति स्थापित कराने का प्रस्ताव नगर विधायक से अनुरोध किया। विशिष्ट अतिथि दया किशन गुप्ता, अजय गोयल रहे। मैं हूँ अशोक कुमार सिंगल। आज महाराजा अग्रसेन संगठन के नव निर्वाचित टीम का बहुत सरल नई कार्यकारिणी जब भी का चुनाव हो गया तो उन्होंने उसका पहले शपथ ग्रहण होगा, उसी के बाद वो कार्यभार ग्रहण करता। इसके बाद हमारे 3-4 प्रोग्राम होते हैं पूरे साल में। सबसे पहले तीज उत्सव होगा, पहली तारीख को हम पहले 1 अगस्त मनाने जा रहे हैं। वो महिलाओं का कार्यक्रम है, हमारी महिला विंग अलग बनी हुई है जिसकी अध्यक्षा डॉक्टर लता चंद्रा जी हैं, उनकी देख रेख में होगा। उसके पश्चात हमारी भव्य शोभा यात्रा महाराज जी की निकाली जाती है, वो इस बार 29 सितंबर को है और जयंती समारोह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। जनता अपने अपने समाज से अनुरोध करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे इन कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाएं, हमारा उत्साह वर्धन करें और इसमें भाग लेकर अब समाज का नाम उज्ज्वल करें। मेरा नाम प्रशांत सिंगल है। मैं इस नवनिर्वाचित जो टीम आई है उसमें मैं बोर्ड मेंबर हूँ और आगे जो होने वाले कार्यक्रम हैं उसमें काफ़ी कार्यक्रम में संयोजक की भूमिका भी रहती है कई बार। और इस संगठन से हम बचपन से जुड़े हुए, करीब 35 ईयर्स पुराना ये संगठन है, तो उसमें हम शुरू से देख रहे हैं और अब काफ़ी सालों से हम कार्यकारिणी मेंबर भी हैं। इस संगठन जो है पहला उद्देश्य तो ये रहता है कि सब अग्रवालों को एक करना, कि मुरादाबाद के अग्रवाल फैमिली के साथ कभी कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसकी इस तरीके से भी हम लोग सेवा कर सकें या हेल्प कर सकें, ये उद्देश्य है। संगठित करके समाज में मैसेज देना कि हाँ अग्रवाल समाज भी है, क्योंकि अग्रवाल सबसे बड़े डोनर हैं हमारे शहर के या हमारे पूरे इंडिया के, तो उसके लिए एक शहर में संगठित होना या उसकी अपनी शक्ति दिखाना ये ज़रूरी है। बाकी हम लोग वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भी आगे सोच रहे हैं कि इसमें 1 अगस्त से हम लोग करीब 10,000 पौधे लगाने का सिस्टम बनाएं। अभी कुछ चीज़ें क्योंकि नवनिर्वाचित टीम है तो अभी हम धीरे 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 करके प्लान कर रहे हैं। उसके अलावा हम पहले विवाह समारोह भी करा चुके हैं जो मल्टीपल होते हैं, उसके लिए भी हम विचाराधीन हैं। और भी जयंती और दिवाली और जो उत्सव है वो तो हमारा रहता ही है। जनता से यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये संगठन से जो भी अग्रवाल हैं, अग्रवाल फैमिलीज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। जिसको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है हमको किसी भी तरीके से सूचना दें। हम लोग अब आराम से हमारे किसी भी कार्यकारिणी मेंबर या किसी से भी अप्रोच करें तो उसकी तुरंत से तुरंत हेल्प करेंगे।